हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कॉर्न उपमा, जो इजीली बनता है, टेस्टी भी है एंड हेल्दी भी। गाजर को छोटी पीसेस में काटना और स्वीट कॉर्न लेना, दोनों को एक वेसल में डाल के थोड़ा पानी, एक ग्लास और थोड़ा नमक डाल के मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इस पे स्टाव पे रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। गाजर और कॉर्न बहुत ही उपमा में टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। कढ़ाई लेंगे हम, जो चीज़ सेकेंड हमको रेडी करके रखना है वो है रवा को फ्राई करना है। एक चीज़ तो हम लोग कॉर्न एंड गाजर को बॉईल करके रखेंगे, सेकेंड है रवा को फ्राई करना है। कढ़ाई में एक चम्मच घी लेके एक बाउल रवा डालते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते रहना। रवा बहुत ही जल्दी जल जाता है, ब्राउन होने तक हम फ्राई करना है। इसको निकाल के रख लेते हैं। बाकी चीज़ ऑनियंस है, करी पत्ता, कॉर्न्स एंड गाजर जो बॉईल किया हुआ था, उड़द दाल, राई, जीरा, हरी मिर्च, धनिया कटी हुई, तेल फ्राई करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई रख लेंगे स्टोव पे, तेल ऐड करके पहले राई, जीरा एंड उड़द दाल डालते हैं। अच्छे से फ्राई होने के बाद ऑनियंस डालते हैं, करी पत्ता, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऑनियंस को थोड़ा ब्राउन होने तक हमको फ्राई करना है। उसके बाद हम लोग डालते हैं ग्रीन चिलीज, वापस एक बार मिक्स करना है। उसके बाद हम लोग कॉर्न एंड गाजर डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करना ताकि जो मसाला है कॉर्न्स एंड कैरेट्स को अच्छे से कोट हो जाएगी। सिंपल पे रहना है स्टोव, अच्छे से फ्राई करके अभी हम लोग पानी डालते हैं। एक कप रवे के लिए हम लोग 3 कप पानी डालेंगे। अगर ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए उपमा तो 4 कप, अगर ड्राई उपमा चाहिए तो 2 कप बहुत हो जाएगा। अपने पसंद से पानी डाल देना, नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई उपमा भी खाने में टेस्टी रहेगा और सॉफ्ट उपमा भी टेस्टी रहता है। अभी ढक देते हैं हम लोग, पानी बॉईल होने तक रुकते हैं। देखिए पानी बॉईल हो गया, स्टोव को सिंपल में रखेंगे। अभी जो फ्राई किया हुआ रवा है वो धीरे धीरे ऐड करते मिक्स करना है, बिल्कुल ही बीच में रुकना नहीं है, रुकेंगे तो रवा लम्स हो जाएगा। एक ही ध्यान रखना है, रवा को लम्स होने नहीं देना है वरना टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा उपमे का। धीरे धीरे स्टोव सिंपल पे ही रहेगा। अच्छे से मिलाइए,
देखते हैं वापस, वापस एक बार मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी और अब्जॉर्ब करना है। इसे वापस एक बार हम लोग ढक देते हैं और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। स्पेशली एज्ड वालों के लिए, सीनियर सिटीजन्स एज्ड वालों के लिए जो सॉफ्ट उपमा है वो लोग को इजी डाइजेस्ट होगा एंड खाने में भी इजी रहेगा। बच्चों को भी पसंद आता है सॉफ्ट उपमा। देखिए अभी पानी ऑलमोस्ट अब्जॉर्ब हो गया, अपनी उपमा एकदम सॉफ्ट बन गया। कॉर्न्स येलो ग्रीन रेड कलर्स देखने में बहुत मस्त दिख रहा है। बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट से खाएंगे। चलो डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने से पहले थोड़ा गार्निश कर लेते हैं चॉप्ड धनिया से, फ्रेश धनिया। और हमारा उपमा रेडी है। ये उपमा कोई भी चटनी के साथ अच्छा लगेगा, टमाटर हो, जिंजर हो, कोकोनट हो, कोई भी चटनी के साथ अच्छा रहेगा एंड प्लेन भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।